नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माँ का दूध हर नवजात शिशु के लिए एक सबसे बड़ा एक उपयोगी एक डाइट माना जाता है। मदर्स मिल्क के अलावा जो भी दूसरे मिल्क हैं वो माँ के दूध के बराबरी दूर दूर तक नहीं कर सकते हैं। सर्वोत्तम माना जाता है ब्रेस्ट मिल्क को, लेकिन कई बार कई कारणों से माँ का दूध बच्चे को प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से दूसरे अल्टरनेटिव फार्मूला मिल्क का सपोर्ट लेना पड़ता है बच्चे को देने के लिए। तो आज मैं बात करूँगा कि ब्रेस्ट मिल्क को किस तरीके से एनकरेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, मिल्क सप्लाई को कैसे सही रखा जा सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक शेयर करूंगा। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फंड को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवालों और सुझावों को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। आज मैं ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए, उसके उचित सप्लाई को मेंटेन करने के लिए 10 ऐसे मुख्य टिप्स जो है शेयर करूंगा इस वीडियो में। कृपया ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। हम सभी लोग जानते हैं कि माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, ब्रेस्ट मिल्क जो है उसकी बराबरी कोई भी दूसरा दूध नहीं कर सकता एक बच्चे के लिए। तो दूध की सप्लाई सही रहे उसमें सबसे पहला टिप्स मैं आपको दूंगा वो है बेबी को दूध पिलाने के समय में किस पोजीशन में पकड़ना चाहिए, कैसे होल्ड करना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप किसी नर्स से या लैक्टेशन एक्सपर्ट जो होते हैं उनसे आप ज़रूर सलाह कीजिए कि बच्चों को किस पोजीशन में होल्ड करके दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है दूध की सप्लाई काफ़ी हद तक। बच्चे को भूख के वक्त आप भूखा ना रखें, दूसरे काम छोड़ करके भी आप बच्चे को तुरंत दूध पिलाएं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई माताएं दूसरे अन्य कामों में ज़्यादा उलझने के वजह से बच्चे को रूटीन मिल्क पिला नहीं सकती हैं और दूसरे काम में एंगेजमेंट होने के वजह से काफ़ी लंबा गैप हो जाता है। तो इससे मिल्क सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में स्तन का जो दूध का उत्पादन है या उसका सप्लाई या वितरण है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। कम से कम 8 से 12 बार माँ का दूध बच्चों को पिलाना चाहिए, मतलब 24 घंटे में 8 से 12 बार अगर आप पिलाते हैं तो एवरेजली 2 से 3 घंटे के बीच में हर बार दूध को पिलाएं। इससे दूध का जो सप्लाई है वो नियमित बना रहेगा और दूध जो है माँ का दूध जो है वो मेंटेन होकर रहेगा। कई बार जो माताएं हैं जो पहली बार उनका एक बेबी हुआ है वो एक ही साइड के ब्रेस्ट से ज़्यादा दूध पिलाते रहते हैं, तो आप स्विच करके दूसरे ब्रेस्ट को भी प्रिफर करें, मतलब दोनों ओर से ही दूध पिलाना चाहिए, इससे दूध का सप्लाई मेंटेन रहता है। हर माँ को मैं ये निवेदन करूँगा कि पानी वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पानी जितना पियेंगे दूध का सप्लाई उतना ही मेंटेन होकर चलेगा, इसीलिए पानी हर माता को भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। आप हल्का सा गर्म सिकाई कर सकते हैं ब्रेस्ट के ऊपर, ये आप बिफोर फीडिंग भी कर सकते हैं और आफ्टर फीडिंग भी कर सकते हैं, इससे मिल्क का जो सप्लाई है वो मेंटेन होकर रहता है। एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्स मैं दूंगा मैसेजिंग ऑफ ब्रेस्ट को लेकर के, आप बिफोर फीडिंग हल्का मसाज दोनों ब्रेस्ट की ओर कर सकते हैं या दूध पिलाने के समय में भी हल्का मसाज आप कर सकते हैं और दूध पिला लेने के बाद भी आप हल्का मसाज कर सकते हैं, इससे ब्रेस्ट का जो मिल्क का सप्लाई है वो मेंटेन रहता है। जब तक बच्चा आराम से दूध पीता रहता है, ब्रेस्ट फीड करता रहता है, बोतल या पेसिफायर का इस्तेमाल ना करें, इससे मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो सकता है। माताओं को समझना चाहिए अगर बच्चा स्तनपान आराम से कर पा रहा है तो आप बोतल फीडिंग की ओर ज़्यादा ना जाएं। हर माता को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए जिसमें हर प्रकार के ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, फ्रूट्स, इसके अलावा दूध, पनीर, सोया, इन चीज़ों को भरपूर मात्रा में माँ को मिलना चाहिए, इससे माँ के दूध का सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद मिलेगा। अगर
माँ का दूध थोड़ा सा कई बार कम सप्लाई में आ रहा है तो आप पंपिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक घंटे पहले दूध पिलाने से पहले 10 मिनट के लिए आप ब्रेस्ट पंप कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूध पिलाने के बाद भी 10 मिनट के लिए ब्रेस्ट पंप कर सकते हैं। ये पंपिंग मेथड आप थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूध का सप्लाई जो है वो नियमित हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ इस वीडियो में जो टिप्स मैंने ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को दिया है, अगर उसको वो फॉलो करें तो उनका मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दूध का जो वितरण है, माँ का दूध का जो वितरण है, उसमें कोई कमी नहीं आएगा और बच्चा बिल्कुल माँ का दूध पा सकेगा भरपूर मात्रा में और बच्चा भी स्वस्थ हो सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी और लाभकारी रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स पर लिख करके भेज सकते हैं। मुझसे किसी भी चिकित्सा हेतु प्रत्यक्ष मिलने के लिए मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा WhatsApp नंबर YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।